ये प्रश्न शुभाशीष मुखर्जी की ओर से है और वे कहते हैं, मैं काले जादू का सच जानना चाहता हूँ। मेरे कुछ मित्र जो बंगाली नहीं हैं, उनका मानना है कि काले जादू का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये बात कितनी सच है? ये बड़ा ही बंगाली सवाल है। The truth. वे ये नहीं पूछ रहे कि काले जादू का सच क्या है, वे पूछ रहे हैं कि इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई थी या नहीं। केरल के लोग मानते हैं कि यह केरल से आया है। दोनों जगह के लोग कुछ एक जैसे हैं। दोनों मछली बहुत खाते हैं। तो इस देश में एक समय था जब एक फैमिली डॉक्टर की तरह एक भूत प्रेत डॉक्टर भी होता था। लगभग हर परिवार इन चीजों के बारे में किसी से सलाह लेता था, क्योंकि ये विद्याएं इतनी ज्यादा फैली हुई थी। क्या इसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी या इसकी शुरुआत केरल में हुई थी, नहीं। मुझे लगता है कि आज केरल और बंगाल में सबसे ज्यादा बचा हुआ है। अन्य जगहों पर यह थोड़ा मिट गया है। मूल रूप से आप तंत्र विद्या की बात कर रहे हैं। अकल्ट इज अ सर्टेन टेक्नोलॉजी। तंत्र विद्या अपनी ऊर्जा के इस्तेमाल से खास असर पैदा करने की एक विशेष तकनीक है, पर दुर्भाग्य से इसके बारे में बुरी बातें बहुत ज्यादा फैल गई हैं, क्योंकि बुरी चीजों की मांग ज्यादा थी, इसलिए लोगों ने इसका अच्छे से ज्यादा बुरा इस्तेमाल किया। इसके अच्छे प्रयोग भी होते हैं, ये किसी भी अन्य तकनीक की तरह है। You can either use it positively or negatively. आप इसका अच्छा या बुरा इस्तेमाल कर सकते हैं। दुर्भाग्य से बुरा इस्तेमाल अच्छे इस्तेमाल से बहुत ज्यादा होने लगा, तो लोगों को लगता है तंत्र विद्या मतलब कुछ बुरा होता है। नहीं, दुर्भाग्य से इसका बुरा इस्तेमाल होने लगा है। It could also be used in a positive manner. इसके अच्छे प्रयोग भी होते हैं। अच्छे प्रयोगों से मेरा मतलब है आप इससे जीवन रूपांतरित कर सकते हैं। आप लोगों की सेहत सुधार सकते हैं, उन्हें मानसिक परेशानी से मुक्त कर सकते हैं, बहुत सी चीजें की जा सकती हैं, पर बुरी चीजों की मांग ज्यादा होने की वजह से इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसकी बुरी छवि बन गई है। तंत्र विद्या ऐसी होती है, देखिए अभी आप सभी के पास फोन है। मान लीजिए 100 साल पहले आपके पास एक फोन होता, सेलफोन होता, तो आप तंत्र विद्या जानने का दावा कर सकते थे, क्योंकि आप फोन निकालकर किसी से अमेरिका में बात कर पाते, सब हू कांपने लगते, ठीक है, हाँ या ना। तो तंत्र विद्या बस एक तकनीक है, आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके किसी को संदेश भेज सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक तकनीक ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म हो रही है, तंत्र की जरूरत कम हो रही है, काफी तेजी से कम हो रही है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो हम तंत्र विद्या के माध्यम से करते थे आज बिना उसके हो जाती है। आप व्हाट्सएप पे एक संदेश भेज सकते हैं, अब आपको यहां बैठकर किसी को संदेश भेजने के लिए फोकस करने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसा करने में बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा लगती थी, अब संदेश चला जाता है। तो संदेश भेजने के काम में अब तंत्र की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वरना तंत्र का मुख्य उपयोग एक अलग तरीके से संदेश भेजने के लिए होता था। आपने टेलीपैथी या टेलीकाइनेटिक्स और अन्य चीजों के बारे में सुना होगा, जिनमें कुछ दूरी से चीजें की जाती हैं, पर आज वे सभी चीजें सामान्य तकनीकों से हो जाती है। तो तंत्र या तंत्र की जरूरत कम हो रही है, जरूरत बस कम होती जा रही है, और शायद तंत्र विद्या की कई जरूरतें खत्म हो जाएंगी। कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम ऐसा समाज बनाएं कि आपको जो भी चीज दी जाए उसका आप एक अच्छा उपयोग करें, तो तंत्र एक जबरदस्त संभावना हो सकता है, जैसे तकनीक एक जबरदस्त संभावना हो सकती है। जैसा मैंने पहले कहा, ज्यादातर तकनीक का इस्तेमाल हथियार, बम, न्यूक्लियर बम और ज्यादा से ज्यादा विनाशकारी चीजें बनाने के लिए हो रहा है। उस तकनीक का इस्तेमाल कहीं और हो सकता था, पूरी तरह सकारात्मक चीजें की जा सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मांग बुरी चीजों की है। तंत्र के साथ भी यही हुआ। आपके मुखर्जी मित्र well, I think... मैंने ऐसा सुना है कि तंत्र विद्या में Tops. केरल आज भी सबसे आगे है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है और फिर कुछ उत्तर पूर्वी राज्य हैं,
लेकिन वहाँ की तंत्र विद्या काफी बुनियादी है, केरल की तंत्र विद्या काफी जटिल है। आप उत्तरी अमेरिका के कबीलों में भी तंत्र विद्या की काफी मौजूदगी पाएंगे, लेकिन बहुत बुनियादी तंत्र विद्या, मुख्य रूप से संदेश भेजने के लिए। पर अब उन सभी के पास स्मार्टफोन है, इसलिए इसकी जरूरत घट रही है। मुझे लगता है कि एक समय था जब कश्मीर में काफी तंत्र विद्या थी, बंगाल, केरल, उत्तर पूर्व और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भाग, लेकिन आजकल धंधा मंदा है। उस दिन भारत के प्रसंग में आपने कहा कि इस देश की बुनियादी समस्या उसके अंधविश्वास है, और यह कि यह देश समय से 1500 वर्ष पीछे। क्या बताने की कृपा करेंगे कि विश्वास और अंधविश्वास की परख क्या है, और क्या आज के विश्वास कल अंधविश्वास नहीं हो जाएंगे? क्या यह भी बताने की अनुकंपा करेंगे कि कोई व्यक्ति या जनसमूह समसामयिक होने के लिए, आधुनिक रहने के लिए क्या करे? आनंद मैत्रेय, जैसे प्रत्येक व्यक्ति जन्मता है और मरता है, उसी तरह प्रत्येक विश्वास एक दिन अंधविश्वास बन जाता है। अंधविश्वास विश्वास की लाश है जिसमें से प्राणों का हंसा उड़ गया। तुमने अपनी मां को कितना प्रेम किया था, फिर एक दिन मां चल बसी, अब उसकी लाश थोड़ी रखे बैठे रहोगे। लाश रखोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, सारा घर बदबू से भर जाएगा, और ऐसी लाशें इकट्ठी करते गए एक दिन पिता चल बसेंगे। ऐसी लाशें इकट्ठी करते गए तो घर में जीना असंभव हो जाएगा, मुर्दे इतने हो जाएंगे कि जिंदा रहेंगे कहां, जिंदा रहेंगे कैसे? इसलिए मां बड़ी प्यारी थी, लेकिन जब चल बसी तो फिर तुम देर नहीं करते अर्थी बांधने में, और तुम अगर देर करो भी तो मोहल्ले वाले जल्दी से बांधने लगते, आखिर उनको भी तो जीना है। तुम रोने धोने में लगे हो, मोहल्ले के लोग जल्दी से बांस लकड़ी इकट्ठा करने लगते, क्योंकि उनके घर जब कोई मरता तब तुम बांस लकड़ी इकट्ठा कर देते हो, ये पारस्परिक लेन देन। देर नहीं लगती कोई मरा कि लाश उठी, पल पल घर में लाश रखना कठिन हो जाता। और ऐसा नहीं कि तुम्हें मां से प्रेम न था, खूब था प्रेम, छाती पीट के रो रहे हो, मगर फिर भी रोते रहोगे और ले चले हंडिया लटकाकर, रोते रहोगे और चढ़ा दोगे जाकर अर्थी पर, रोते रहोगे और आग लगा दोगे। ये करना ही होगा। ऐसी ही अवस्था विश्वास और अंधविश्वास की। विश्वास जीवंत जब होता है सत्य, और जब सत्य के भीतर से प्राण तो उड़ जाते, सिर्फ क्रियाकांड रह जाता, मगर तुम उसी क्रियाकांड को ढोते रहते हो, तब अंधविश्वास। आंख वाला विश्वास तो जीवंत होता है, अंधा विश्वास मुर्दा होता है। जिसे किसी ने बुद्ध को देखा, उस अपूर्व ज्योति को, और कोई झुक गया चरणों में, यह विश्वास। झुकने की न तो योजना बनाई थी, न झुकने का कोई इरादा लेकर आए थे, लेकिन झुक गए, झुक जाना पड़ा। ज्योति ऐसी थी, प्रभा ऐसी थी, रुक ना सके, पता ही ना चला कब झुक गए। यह तो एक जीवंत घटना है, और इसमें रस है, और इसमें गहरे अभिप्राय है, इसमें भाव की धड़कन है, इसमें सांस चल रही। जब कोई बुद्ध को देखकर, उन आंखों में झांककर,
उन चरणों की महिमा में सिर रख दिया है। अपने अनुभव से, अपनी प्रतीति से, अपने साक्षात से, तब बात और है। फिर यह आदमी तो जा चुका, बुद्ध भी जा चुके, लेकिन इसके बच्चे बुद्ध की प्रतिमा के सामने झुकते हैं क्योंकि बाप झुका था बुद्ध के सामने। फिर बच्चों के बच्चे भी झुकते रहेंगे, हजारों वर्ष बीत जाते, अब बुद्ध की प्रतिमा रखी है और लोग सिर झुका रहे हैं। भीतर झुकने का कोई भाव नहीं है, हो भी क्या, पत्थर के सामने कोई झुकने का भाव होता है? न पत्थर में कोई महिमा है, न पत्थर में कोई प्राण है। वह तो बुद्ध की महिमा थी, वह तो बुद्ध का अवतरण था, जिसके सामने तुम्हारा कोई पुरखा झुका था, मगर तुम क्यों झुक रहे हो? तुम कहते हो कि हमारे बाप दादी झुकते रहे, हम भी झुकेंगे। तो झुकते रहो, मगर तुम्हारा झुकना अंधविश्वास है। अब समझने की बात यह है कि हर अंधविश्वास की शुरुआत में विश्वास होता है, नहीं तो पैदा ही कैसे होगा? कोई नानक की मस्ती से मस्त हो गया, सुना नानक का गीत, डोल गया, नाच गया मन, बहार छा गई, वसंत आ गया। उस वसंत में झुक जाना ही पड़ा, नानक जैसा फूल खिले। और कोई झुके ना, अभागा है, अंधा है, पत्थर है उसके भीतर, हृदय नहीं, निष्प्राण है। नानक जैसा फूल खिले और तुम्हारी नासापुटों में श्वास सुगंध से ना भर जाए, यह संभव कैसे? यह संभव तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास कोई संवेदनशीलता ही ना हो। अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता है, थोड़ा भी मनुष्य तुम्हारे भीतर जागृत है, जीवित है, तो झुकोगे ही। लेकिन फिर सदियां बीत गई, अब नानक नहीं, नानक की मूर्ति भी नहीं, लेकिन कोई गुरु ग्रंथ के सामने झुक रहा है। मैं एक पंजाबी घर में मेहमान था, सुबह सुबह उठ के स्नान करने जा रहा था, तो बीच के कमरे से जिससे मुझे गुजरना पड़ा, वहां देख के मैं हैरान हुआ। गुरु ग्रंथ के लिए उन्होंने बड़ा एक सिंहासन बनाया हुआ था। नानक को हृदय के सिंहासन पर बिठाया था, वह तो समझ में आता है, मगर अब किताब को सिंहासन पर बिठा दिया है। वहां तक भी बात ठीक कि चलो तुम्हारा आदर है। चौंका मैं इसलिए कि उसी सिंहासन के पास एक लोटे में जल भरा रखा है, चांदी का लोटा, और दतौन भी रखी। मैंने पूछा कि ये क्या है, ये किस लिए रखी? तो उन्होंने कहा, गुरु ग्रंथ साहब के लिए दतौन। अब हद हो गई, तुमने नानक के लिए जाके लोटे में दतौन का पानी ले गए होते, चांदी का सोने का लोटा ले गए होते, समझ में आती बात। अब किताब के लिए दतौन रख रहे हो, तुम होश में हो कि तुम पागल हो गए? मगर इसी तरह होता है। मैंने सुना एक आदमी मरा, उसकी आदत थी कि भोजन के बाद रोज उठ के अपनी दांत साफ करता था एक लकड़ी के टुकड़े से। उसके बच्चे छोटे छोटे थे, बाप मर गया, मां पहले ही मर गई थी, बच्चों को कुछ और ज्यादा याद न था, लेकिन एक बात बराबर उन्हें याद थी कि आले में चौके के बाहर ही एक लकड़ी का टुकड़ा रखा रहता था, और पिता रोज भोजन के बाद उस टुकड़े साथ कुछ करता था, क्या करता था पता नहीं, लेकिन जरूर कोई बात राज की रही होगी। तो उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा रखा। अब जब बाप की याद में रखना है तो साधन लकड़ी का टुकड़ा क्या रखना, उन्होंने चंदन की लकड़ी का।
टुकड़ा रखा, और जब रख ही रहे हैं तो छोटा मोटा क्या रखना। उन्होंने चंदन की बड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा रखा, खूब नक्काशी करवा के। अब उसका कोई भी संबंध ना रहा दांत के साफ करने से, उससे दांत साफ हो भी नहीं सकते, दांत से कुछ लेना देना भी ना रहा। फिर बच्चे बड़े हुए, उन्होंने नया मकान बनवाया, धन कमाया। अब नए मकान में उन्होंने सोचा कि आले में रखा है, ये याददाश्त है अपने पुरखों की, तो क्यों ना एक छोटा सा मंदिर बना ले। बात जची सभी को, और अब धन भी पास में था, तो उन्होंने एक संगमरमर का छोटा सा मंदिर ही बना लिया। उनका आले में क्या रखना, बाप दादे गरीब थे तो ठीक। अब मंदिर बन गया संगमरमर का बड़ा मंदिर, अब उसमें एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को क्या रखना। तो उन्होंने एक बड़ा खंबा, पूरा झाड़ का झाड़ ले आए होंगे कटवा के चंदन का, उस पर खूब नक्काशी करके उसको लगा दिया। मैंने सुना है कि अब उसकी पूजा चलती, घंटा बजता, पुजारी आता, फूल चढ़ाए जाते। अब किसी को याद ही नहीं कि कहां से शुरुआत हो गई थी बात की। जो भी इस जगत में तुम्हें अंधविश्वास दिखाई पड़ रहे हैं, उनका प्रारंभ तो जरूर कभी विश्वास से ही हुआ था। कहीं ना कहीं, चाहे कितनी ही बात खो गई हो, चाहे आज खोजना भी संभव ना रह जाए, चाहे आज हमारे पास उपाय भी ना रह गए हो कि हम परत दर परत इतिहास में उतर कर उनकी खोज कर सकें, लेकिन कहीं न कहीं प्रारंभ में कोई ना कोई छोटी न मोटी बात रही होगी जिसमें कुछ सत्य था और जिसको किसी ने साक्षात्कार किया था, लेकिन फिर पीछे सभी चीजें अंधविश्वास हो जाती। विश्वास का अर्थ होता है जो तुम्हारे अनुभव से घटित हो। अब मेरे पास लोग आते, कोई मां ने संन्यास ले लिया, वो अपने बेटे को ले आती कि इसको भी संन्यास दे। बेटा भाग रहा है, वो उसको पकड़ रही कि इसको संन्यास दे। बेटा बैठ नहीं रहा है, बेटा उठ उठ जा रहा है, वो उसको जबरदस्ती बिठा रही कि इसको संन्यास दे। उसकी गर्दन पकड़ के उसका सिर मेरे चरणों में लगा रही, वो इंकार किए जा रहा है, वो सिर अलग कर रहा है। अब ये कोई संन्यास होगा? अब इसको मैं मना करूं तो दुखी होती, इसको मैं कहूं कि नहीं तो दुखी होती। और मैं जानता हूं उसकी भी अड़चन, क्योंकि वो कहती है कि घर में बेटा माला मांगता है, ये कहता हम भी गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, हम भी माला पहनेंगे, तो मेरी झंझट खड़ी कर रखी। मगर इस माने तो होश पूर्वक बोधपूर्वक संन्यास लिया है, इस बेटे पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये यही के यही विश्वास और अंधविश्वास दोनों हुए जा रहे हैं। ये कल मां विदा हो जाएगी और ये बेटा संन्यासी रह जाएगा, ये संन्यासी बिल्कुल थोथा होगा, इसका कोई मूल्य नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। मगर इसको जिद रहेगी, अकल रहेगी कि हमारी मां सन्यासी थी, अब मां से कोई गद्दारी थोड़ी करेंगे, तो पहनेंगे कपड़ा। और अगर ज्यादा दिल हो जाएगा दूसरे कपड़े पहनने का, तो ऊपर ऊपर गेरुआ पहन लेंगे, भीतर भीतर जो अपने मौज के वो पहन लेंगे, भीतर मखमली और रेशमी कपड़े पहन लेंगे, ऊपर गेरुआ डाले रखेंगे। या दिन में गेरुआ पहन लिया करेंगे जब लोग देखें दाखे, और रात अपने घर में मौज से जो अपने को पहनना वह पहनेंगे। अब ये माला झूठी हो जाएगी, अब इस माला में से लकड़ी के दाने विदा हो जाएंगे, सोने चांदी के दाने आ जाएंगे, अब ये माला नए नए अर्थ लेने लगेगी, ये एक आभूषण हो जाएगी। तुमने पूछा है उस दिन भारत के प्रसंग में आपने कहा कि इस देश की बुनियादी समस्या उसके अंधविश्वास है। इस देश की ही नहीं, सारी दुनिया की बुनियादी समस्या अंधविश्वास है, इस देश की थोड़ी ज्यादा। ज्यादा क्यों? क्योंकि इस देश में ऐसे बहुत पुरुष हुए जिनके आसपास विश्वास जगा।
इसलिए इस देश के पास अंधविश्वास भी ज्यादा है। बुद्ध यहां हुए, महावीर यहां हुए, कृष्ण यहां हुए, अपूर्व पुरुष यहां हुए, सरहप्पा और गोरख और कबीर और नानक और दादू और रैदास और फरीद, एक जागते हुए दियों की परंपरा है। यह देश तो एक दिवाली मनाता रहा है, यहां दियों पर दिए जलते चले गए। जहां इतने दिए जले वहां स्वभावतः बहुत से बुझे दियों की पूजा भी होगी। दिए जब जलेंगे तो एक दिन बुझेंगे, और इतनी हिम्मत हम नहीं जुटा पाते कि जब दिया बुझ जाए तो उसका निर्वाण कर दें, उसको चले जाएं और सागर में बहादुर नमस्कार कर लें। इतनी हिम्मत हम नहीं जुटा पाते, कोई भी नहीं जुटा पाता। मोह लग जाते, आसक्तियां बन जाती, भय भी पकड़ जाते। मैं सत्चित आनंद हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मन हूं, मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या, जगत के सब व्यापार मायावी हैं, मुझे किसी की निंदा नहीं छूती और न स्तुति। मैं अमृत पुत्र हूं, यह मेरी अपनी अनुभूति जो सदा बनी रहती है। आपके इस धर्म चक्र प्रवर्तन के महत् कार्य में मैं आपको सहयोग देना चाहता हूं और जगती के क्षितिज पर धर्म ध्वज को लहराते देखना चाहता हूं। अतः आपसे एकांत में भेंट की आकांक्षा है। पंडित मनसाराम शास्त्री, कमाल कर दिए, अब जब सारा जगत माया ही है तो तुम किस जगति के क्षितिज पर धर्म ध्वज को लहराते हुए देखना चाहते हो? जब सारा जगत माया ही है तो मुझसे क्या करोगे एकांत में मिलकर? फिर क्या एकांत और क्या भीड़, सब माया है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मगर काशी निवासी हैं पंडित मनसाराम शास्त्री, काशी निवासियों से और इससे बेहतर कुछ आशा नहीं। क्या गजब की बातें कहीं पहले, लेकिन पीछे ढोल अपनी पोल खुद ही उहाड़ गए। एक युवती मनोवैज्ञानिक के पास पहुंची और कहने लगी, मैं परेशान हो गई, लोग मुझे निर्लज्ज कहते और मैं तो कोई कारण नहीं देखती, और जहां जाओ वहीं जो देखो वही मुझे निर्लज्ज बतलाता है। तो आप मुझे बताएं कि क्या मेरी निर्लज्जता है, क्या मुझ में कमी, मैं सुधार करने को तैयार हूं। मेरी जिंदगी दूभर कर दी इन लोगों ने। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, देवी पहले मेरी गोदी से उतर के सामने की कुर्सी पे बैठ, फिर आगे बात हो। पंडित मनसाराम शास्त्री, थोड़ी तो अकल का उपयोग करो। तुम्ही सबको देख के तुम्हें भैंस को बड़ा कहने लगा, अकल से भी बड़ी भैंस। क्या प्यारे प्यारे शब्द तुमने कहे, सब उधार। मैं सच्चित आनंद हूं। भैया यहां कैसे आए, काहे के लिए आए? काशी से यहां तक का कष्ट किया, माया में यात्रा करते शर्म नहीं आती? माया की रेलगाड़ी में बैठे, माया की टिकट खरीदी, रास्ते में माया का भोजन किया हो,
तरह तरह की मायाएं रास्ते में पड़ी होंगी, आंखें बंद रखनी पड़ी होंगी। कहां काशी नगरी त्रिलोक में न्यारी, उसको छोड़ के कहां चले आए थे? यहां पुणे में क्या कर रहे हो? पुणे में तो और सीन लग गए, पुणे जैसे गधे के सिर पे सींग उगा, इधर को सींग नहीं मार दे, सब माया बिखर जाए, ये तुम आए कहां? कहते मैं सच्चित आनंद हूं। अब क्या कमी रही? शुद्ध बुद्ध आत्मन हूं, मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या, जगत के सब व्यापार मायावी, मुझे किसी की निंदा नहीं छूती और न स्तुति, मैं अमृत पुत्र हूं। क्या कहूं तुम्हें, पंडित मनसाराम शास्त्री कहूं कि पंडित तोताराम शास्त्री कहूं? और फिर पीछे से सारी बात गड़बड़ हो गई, वो हो ही जाती, लाख छिपाओ बात खुली जाती, हाथी भी निकल जाए तो पूंछ अटक जाती। एक महिला अपने बीमार पति को देखने अस्पताल गई और उसकी तबीयत का हाल पूछा। पति ने कहा बुखार तो टूट गया, अब टांग में दर्द है। पत्नी बोली लल्लू के पापा घबराओ मत जी, अरे जब बुखार ही टूट गया तो टांग भी टूट जाएगी। एक पंडित ने विवाह किया, ऐसे तो सब माया है मगर सोचा होगा कि कम से कम माया से इस महिला को मुक्त करे, सो विवाह किया। विवाह के बाद सुहागरात के दिन पंडित तो भरे ही हुआ था, सो चर्चा ही यूं शुरू हुई, बोले अपनी पत्नी से, प्रेम अंधा होता है, यूं बोलते जा रहे हैं प्रेम अंधा होता है और कपड़े उतारते जा रहे हैं। पत्नी ने कहा होता होगा जी, पर पड़ोसी तो अंधे नहीं, पहले खिड़की का पर्दा तो गिरा दो। एक युवती एक साधु के पास गई और बोली महाराज आपने एक प्रवचन में कहा था अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूं तो सोचती हूं मैं कितनी सुंदर, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता, मैं क्या करूं? साधु ने कहा बच्चा गलत फहमी कोई पाप नहीं। पंडित मनसाराम शास्त्री, हे काशी निवासी तोताराम, ये सब ज्ञान का कचरा हटाओ, इसमें तुम्हारा कोई भी अनुभव नहीं।
रक्ति भर अनुभव नहीं। और नाराज मत होना, ये मेरा शिवजी वाला रूप है। ऐसे तो लूंगा, और पंडितों को तो छोड़ता ही नहीं, उनसे मेरा प्रेम, और प्रेम तो अंधा होता ही तुम। पंडित मेरे हाथ में पड़ जाए तो मैं उसके साथ वही व्यवहार करता हूं जो हीरा जौहरी के हाथ में पड़ जाए तो उठाई छेनी और लगे अच्छे आ गए। एकांत में तो देखेंगे, पहले यहां भीड़ में तो देखेंगे, अगर बचे रहे तुम तो एकांत में भी देखेंगे। कहां की बातें कर रहे हो कि आपके इस धर्म चक्र प्रवर्तन के महत्कारी में? अरे इस मायावी संसार में कोई महत्कारी होता है कि कोई धर्म चक्र प्रवर्तन होता है? सब खेल है भैया। मैं कोई धर्मचक्र प्रवर्तन वगैरह नहीं कर रहा, ऐसी झंझटों में कौन पड़े। अब चक्र ही घुमाते रहो, सुदर्शन चक्रधारी बन जाओ, जब 24 घंटे मुरली बजाओ मुरली वाले बन जाओ। सब माया है, इसमें क्या झंझट, किसको छुटकारा दिलवाना, किस चीज से छुटकारा दिलवाना। कुछ बंधन हो तो छुटकारा हो, यहां बंधन ही नहीं, लोग तो मुक्त हैं ही, ये सब मुक्त पुरुष बैठे हुए। तुम किसी से भी पूछ रहे हो, कोई भी कह देगा मैं सच्चित आनंद शुद्ध बुद्ध आत्मन, यहां मेरे पास बुद्धों की जमात, यहां कभी कभी कोई बुद्धू काशी से आ जाता बात, मगर वो अपवाद, अन्यथा यहां बुद्ध पुरुष बैठे हुए, देख तो कैसे प्रसन्न हो रहे हैं वो। दोहराओ मत, दोहराने से कुछ भी नहीं होगा। किसी महिला के 8 बच्चे थे, जब भी कोई बच्चा किसी वजह से रोता तो वह उसे मनाते हुए कहती, देखो बेटा गलती करके रोते नहीं। एक दिन बच्चों की शरारत से तंग आके वह रोने लगी और कहने लगी, ऐसे बच्चों से तो बगैर बच्चों के अच्छे थे। तभी उसकी छोटी पुत्री उसे मनाते हुए बोली, देखो मम्मी गलती कल के लोते नहीं। सुनते सुनते बेटी भी सीख गई ज्ञान की बात। अब काशी में तो ये वचन हवा में डोल रहे हैं, जहां जाओ वहीं बच ही नहीं सकते। मैं अमृत पुत्र हूं, न निंदा छूती न स्तुति, तो क्या क्या छूता है तुम, कुछ छूता है कि नहीं। ये तो मेरे पास यहां 1 से 1 गजब की महिलाएं हैं, किसी को पीछे लगा दे और फौरन को गए भाई दूर रहे, छूना मत। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि निंदा स्तुति छोड़ो, अभी कोई बाई भी छू देगी तो बस प्राण संकट में पड़ जाएंगे कि ये माया कहां पीछे लग गई। और मेरे पास इतनी देवियां हैं, छोटी मोटी देवियां भी नहीं, चंडीगढ़ से आई हुई चंडियां भी हैं, पीछे लगा दूंगा काशी तक पीछा करेंगे। और जब तक पैर छू के ना गाओगे श्री गुरु वे नमः, तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे।
तोतों की तरह दोहराओ मत। आदमी की तरह बातें करो। मुझे धोखा न दे सकोगी, ये धोखे काशी में चलते, क्योंकि वहां बाकी भी तोते। प्रेम के बारे में राधा किसी तन्मयता पाकर एक प्रेमिका ने प्रेमी को लिखा, अब दशा वह हो चुकी है कि मुझे हर आदमी में तुम दिखाई देते हो, इसलिए बोराई स्थिति में मुझसे मत पूछो मैं क्या कर रही हूं, विवश होकर मैं किसी और से विवाह कर रही हूं। अब जब सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ने लगे तो अब क्या कृष्ण कन्हैया की रास्ता देखो। ये राधा वगैरह कहती हैं कि हमको सब में कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, बात सच नहीं। ये गोपियां कहती थी हमको दिखाई पड़ते हैं जब कृष्ण द्वारका चले गए, तो फिर काहे को रुआई धुआई मचाई हुई थी, तो कोई ग्वालों की कमी थी? अरे कई बांसुरी बजा रहे थे, किसी को भी पकड़ लेती, क्या है भैया कहां चले गए? हे भैया बहुत दिनों बाद मिले, क्या रास रचाएं? ये सब बातचीत कि सब में कृष्ण ही कन्हैया दिखाई पड़ रहे हैं। तुम जब तक अपने इस व्यर्थ के ज्ञान से मुक्त ना होगे तब तक सार्थक दिशा में कोई यात्रा नहीं हो सकती। इस जीवन में अज्ञान नहीं भटकाता लोगों को, मेरे देखे ज्ञान भटकाता है। और तुम्हें उपनिषद का वचन याद दिलाऊं, पंडित हो तुमने पढ़ा होगा मगर समझा नहीं होगा, पंडित कभी समझते ही नहीं, उनका काम पढ़ना। यंत्रवत उपनिषद का वचन है, अज्ञान तो भटकाता ही लेकिन ज्ञान महाअंधकार में भटका देता है। क्या अद्भुत लोग रहे होंगे। अभी उपनिषद के ऋषि को अगर कच्छ जाना होता बिल्कुल नहीं जा सकते, यहां कहां चले आ रहे, खतरा पैदा हो जाएगा संस्कृति को। ये उपनिषद के ऋषि को तुम जीने देते? जो कह रहा है कि अज्ञान तो निश्चित ही अंधकार में भटकाता है लेकिन ज्ञान महाअंधकार में भटका देता है, और इससे बड़ी क्रांति की क्या बात हो सकती है? क्यों अज्ञान से भी ज्यादा बड़ी भटकन ज्ञान से पैदा हो जाती? अज्ञानी को कम से कम इतना बोध तो होता है कि मैं अज्ञानी, तो एक विनम्रता होती, एक सरलता होती, एक सहजता होती, अज्ञानी में एक भलापन होता, निर्मलता होती, अकड़ नहीं होती। वो कहता मैं जानते नहीं कुछ तो अकड़ो भी क्या, ज्ञान अकड़ लाता है और थोथी अकड़, क्योंकि तुमने सीख लिया है, शास्त्र कंठस्थ कर लिए, अब उनको दोहरा रहे हो। एक पंडित एक तोता खरीदने गए, क्योंकि उनके विरोधी पंडित ने अपने घर के सामने एक तोता लटका रखा था जो गायत्री का मंत्र बोलता था, उससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लग रहा था, उनके ग्राहक छिने जा रहे थे। ग्राहक कहते थे महाराज तुम्हें क्या पता, अरे वहां देखो वह है महापंडित, उसके तोते भी गायत्री बोलते। So, वो भी बेचारे गए तोते की दुकान पे, भैया कोई तोता दो, कुछ ऐसा तोता दो कि गायत्री को भी मात कर। उसने कहा है एक तोता मेरे पास और ऐसा तोता कि हिंदू को भी फांसे, मुसलमान को भी फांसे, अरे ऐसे गजब का तोता, बिल्कुल गांधीवादी तोता, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, आधुनिक तोता, ये कहां गायत्री मंत्र लगा रखा है? कहा दिखाओ कहां है तुम्हारा तोता। ले गया उसे अंदर, तोता बिल्कुल बैठा हुआ था, खादी के कपड़े पहने हुए, गांधीवादी टोपी लगाए हुए, पास ही एक छोटा सा चरखा रखा था,
पंडित ने भी कहा कि श्री गुरु है नमा, गजब का तोता एकदम शुद्ध खादी पहने, सामने रखा हुआ है चरखा। इसके संबंध में कुछ और समझाओ। उस दुकानदार ने कहा इसके पैर में देखते आप, बाएं पैर में एक धागा बंधा है, इसको खींच दो। एकदम उपनिषद के सूत्रों पर सूत्र बोलने लगता है, और इसके दूसरे पैर में देख रहे हो दूसरा धागा बंधा हुआ है, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल महीन धागा, अगर उसको खींच दो एकदम कुरान की आयतें बोलता है। मुसलमान आए तो ये खींच देना, हिंदू आए तो ये खींच देना, दोनों पे तुम्हारा कब्जा हो जाए, हिंदू भी आएंगे मुसलमान भी आएंगे। तोता तो गजब का है। एक बात पूछूं कि अगर दोनों धागे एक साथ खींच दूं तो? तोता बोला उल्लू के पट्टे, अगर दोनों धागे एक साथ खींचोगे तो धड़ाम से नीचे ना गिर पड़ोगे। तोतों में भी थोड़ी ज्यादा अकल है, तुम भी क्या बात कर रहे हो? यहां कोई धर्म चक्र प्रवर्तन वगैरह नहीं हो रहा है, यहां तो मौज है, मस्ती है, ये तो मैखाना है, मधुशाला है, यहां तो पियकड़ों की जमात है, ये रिंद बैठे, यहां तो अदृश्य शराब पी जा रही, पिलाई जा रही। अगर पीना हो तो पियो, और अगर हिम्मत हो तो ही पी पाओगे, क्योंकि यहां किसी परंपरा की बात नहीं हो रही, यहां शुद्ध सत्य की बात हो रही, यहां किसी परंपरा का पोषण नहीं, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि परंपरा और सत्य का कभी कोई संबंध होता है। सत्य तो सदा नूतन होता है, नित्य नूतन होता है, जैसे सुबह की ओस के कण इतना ताजा होता है। ये तुम बकवास छोड़ दो कि मैं सच्चित आनंद हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मन हूं, मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या, अभी बहुत तुम्हें संसार के क्रियाकलापों से मतलब, अभी तुम जगति के क्षितिज पर धर्म ध्वज को लहराते देखना चाहते, अभी झंडा ऊंचा रहे हमारा, तुम्हारी बुद्धि वहीं अटकी। और झंडा वंडा किसको ऊंचा करना, डंडा ऊंचा करना रहता लोगों का, झंडा तो बहाना है। पहले तो तुम ये कचरा छोड़ो, अगर मेरे पास आना तो ये कचरे को छोड़ के आओ, अज्ञानी होके आओ, मेरे द्वार खुले, ज्ञानी होके आओ बिल्कुल द्वार बंद। मैंने द्वार पर इस पूरे आश्रम में एक ही आदमी को संत कहता हूं, उसको द्वार भी बिठा रखा। यहां 5000 पियकड़ों में एक ही संत, उनको बाहर बिठा रखा। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अंट संत है, और अंट संत दूसरे अंट संतों को फौरन पहचान लेता, तरबूजा तरबूजे को पहचान देता। तो उनको मैं कहता हूं संत महाराज, उनको द्वार पे बिठा रखा, वही देख लेते हैं कि आ रहा अंट संत, वहीं से विदा कर देते। उनने तुम्हें कैसे घुसाने दिया यही आश्चर्य। कभी कभी भांग वगैरह पी जाते हैं, अब संत ही हैं तो संतों का क्या, संत और भांग ना पिए, भांग वगैरह पी गए दिखता वो कि तुम भीतर घुसाए, नहीं तो वो पहले तुम्हें वहीं से विदा कर देते। ज्ञानियों के लिए दरवाजा बंद है, अज्ञानियों के लिए द्वार खुला है, मेरा हृदय खुला है, क्योंकि अज्ञानियों को बदला जा सकता है। अज्ञानियों के साथ तो फिजूल मेहनत होती है। पश्चिम का बहुत बड़ा संगीतज्ञ वेजनर जब भी किसी को शिष्य की तरह स्वीकार करता था तो कहता था पहले कहीं संगीत तो नहीं सीखा, अगर संगीत सीखाओ तो रास्ता लगो, बाहर निकलो, और अगर जिद करोगे तो दुगनी फीस लूंगा। जिसने संगीत नहीं सीखा उसको मैं सिखाता हूं। स्वभावतः जो लोग संगीत सीखे होते वो कहते ये तो उल्टी बात कर रहे हैं आप, हमने वर्षों मेहनत करके सीखा है, हमसे तो कम फीस लेनी चाहिए। वो कहता पहले बुलाना भी तो पड़ेगा, वो मेहनत कौन करेगा। पंडित मनसाराम शास्त्री पहले तो
तुम्हारा शास्त्रीपन मिटाना पड़ेगा, पंडितपन मिटाना पड़ेगा, तब कहीं जाके कुछ बात बन सकती। अभी तुम धर्म ध्वज वगैरह न फहराओ, अभी तो तुम्हारे जीवन में दिया जल जाए यही काफी है।